ये 21वीं सदी के नरेंद्र हैं और एक नरेंद्र 19वीं सदी के थे। दोनों के गुरु आध्यात्म जगत से हैं, लेकिन दोनों की राहें अलग अलग तय हुई। स्वामी आत्मस्थानंद से नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात सन 1966 में हुई थी। उस समय स्वामी राजकोट के रामकृष्ण आश्रम आए थे। मोदी तब 16 साल के थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रभावित मोदी उस समय उनसे मिलने पहुंचे थे। कुछ दिन आश्रम में बिताने के बाद मोदी ने कहा कि स्वामी जी, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। तब स्वामी जी ने उनसे कहा कि तुम सन्यासी जीवन नहीं, राजनीतिक जीवन के लिए बने हो। लेकिन गुरु ने राह बदली तो राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 1985 में मोदी का असल राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी को आरएसएस से बीजेपी में भेज दिया गया। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उनके राजनीतिक उदय का दौर था। यहाँ से मोदी ने इतनी ख्याति अर्जित की कि इसके बाद 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद से सिर्फ आध्यात्म की प्रेरणा ही नहीं ली, उन्होंने विवेकानंद के राजनीतिक विचारों को पढ़ा और सुना भी है। और अगर उनकी हालिया नीतियों पर गौर किया जाए तो उनके राजनीतिक विचारों को गुना भी है। विवेकानंद भारत के पहले आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने धर्म से पहले पेट पूजा की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि समझिए धर्म के मायने क्या हैं। धर्म से पहले पेट पूजा की जरूरत है। जनता की अनदेखी से भारत की उन्नति रुक रही है। लाखों भूखे लोगों की पहली जरूरत भोजन है। इसके लिए उन्हें खेती और ग्रामीण घरेलू उद्योगों का कुशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विवेकानंद के इसी विजन पर नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। गरीबों को सहारा नहीं चाहिए, गरीबों को शक्ति चाहिए। नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और कौशल विकास का नारा स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार से ही प्रेरित लगता है। मोदी पर थी और मोदी की निगाहें भविष्य पर, कि इंडिया को न्यू इंडिया कैसे बनाना है जो नाम का ही नहीं काम का भी न्यू नजर आए। विवेकानंद ने अपने आंखों से कहा था, सपने देखते हुए कहा था कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। 30-32 साल का एक नौजवान सन्यासी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कह रहा था कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं।